जीवन के तीन अमृत देता हूं। परिक्षण पर्व का यह पहला दिन और इस पहले दिवस पर मैं आपको देता हूं जीवन के तीन अमृत। पहला अमृत अपनी जबान में रखिए। जीवन का दूसरा अमृत अपने हाथ में रखिए और जीवन का तीसरा अमृत अपने हृदय में रखिए। जिसके हाथों में ये तीन अमृत है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। दिल में रखिए दया का अमृत, इतना काफी है मेरे भाई। याद रखना, अंधा वो नहीं होता जो अपनी आंखों से देख नहीं पाता है। अंधा वह नहीं होता जो अपनी आंखों से नहीं देख पाता है। अंधा वो होता है जिसे अपने दोस्त दिखाई नहीं देते, जो केवल औरों के ही दोस्त देखा करता है। वो आदमी अपने आप के लिए, खुद के लिए अंधा हुआ करता है। अपनी जबान को हमेशा मिठास से घोले रखिए। किसी की गलती हो जाए तब भी मिठास से मधुरता पूर्वक अपनी बात को कहने की कोशिश कीजिए। आपके मधुरता पूर्वक कही गई बात औरों के दिल को आनंद देगी। एक पति सब्जी लेकर घर पहुंचा, सब्जियां खरीदकर। संयोग से कोई सब्जी थोड़ी सी गली हुई आ गई होगी तो पत्नी ने टॉन्ट कसते हुए कहा, अरे तुम भी कैसे हो, जो भी सामान लाते हो हमेशा सड़ियल सामान लाते हो, जो भी सामान लाते हो, अरे ककड़ी लाओ कि भिंडी लाओ कि तरई लाओ कि कुछ भी सामान लाओ, मैंने 15 साल से ये देखा है कि तुम कुछ भी लाते हो, हमेशा सड़ियल सामान लेकर आते हो। पति ने गुस्सा खाने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, क्यों चिल्लाती है, तुम्हें भी तो मैं ही लेकर आया था ना। तो कटाक्ष का जवाब भी मिठास से दो, खटास का जवाब भी कुछ मुस्कान से दो कि तुम जवाब भी जोरदार दे दो। तुम्हारा जवाब तो लाजवाब हो पर सामने वाला व्यक्ति सोचता ही रह जाए कि सामने वाले ने क्या कहा। अपनी हर बात को इस तरह सलीके से पेश कीजिए। और हां, एक चीज को और जोड़िए और वह है शांति, समता और सामायिक। पर्युषण पर्व के इन 9 दिनों में, इन 8 दिनों में प्रतिदिन सामायिक कीजिए। क्योंकि हम दोनों ही परंपराओं के पर्युषण यहां कर रहे हैं इसलिए पर्युषण 9 दिन का है। आपके लिए 1 दिन बोनस में मिल रहा है कि 8 दिन में भी न धो पाओ तो 9वें दिन एक बार और चकाचक कर लेना अपने आपको। कोई कहीं कसाए, कहीं कोई वैर विरोध न रह जाए। पर्युषण पर्व में यो तो आदमी को चाहिए कि एक सामायिक रोज करे। सामायिक का मतलब है शांति की साधना, समता की साधना। सामायिक कोई प्रदर्शन नहीं, ये तो शांति का जीवन है। जैसे पहले घड़ियां होती थी ना, चाबी की घड़ियां। किसी के हाथ में है क्या चाबी की घड़ी? किसी के हाथ में है चाबी की घड़ी? आपके हाथ में है चाबी की घड़ी? खड़े हुई है तो कितने, अच्छा आपके हाथ में भी चाबी की घड़ियां? इतने लोग रखते हैं क्या अभी भी चाबी की घड़ियां? बहुत अच्छी बात है। ये चाबी की घड़ी नहीं, ये तो जीवन की पाठ देने वाली पाठशाला है। और आप जरा बताएं कि चाबी भरो तो ये घड़ी कितने घंटे चलती है? 24 घंटे। और 24 घंटे अगर घड़ी को चलाना है तो सीधी साधी बात है 24 घंटे इसमें चाबी भी भरनी पड़ेगी, है ना? क्या हाँ ना, जवाब दीजिए। अगर घड़ी को 24 घंटा चलाना है तो क्या 24 घंटा चाबी भरनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। एक बार घड़ी में चाबी भरो और 24 घंटा घड़ी को आराम से चलाओ, 1 घंटा सामायिक करो और 24 घंटे को प्रेम और शांति से जियो। ये तो घड़ी में चाबी भरने के समान है भाई। सामायिक जो सामायिक है ना, ये तो घड़ी में चाबी भरने के समान है। एक बार घड़ी में चाबी भरी और चाबी भरने के बाद घड़ी आराम से 24 घंटा चलेगी। जरा बताओ उस घड़ी को घड़ी कहें कि खटारा कहें, जिसमें चाबी भरो तो चले और चाबी बंद तो घड़ी बंद। कि चाबी भरते रहो घड़ी चलती रहे, चाबी भरते रहो घड़ी चलती रहे, चाबी भरते रहो घड़ी चलती रहे। कि सामायिक में रहेंगे तब तक शांत रहेंगे, घर गए तो फिर वापस वही गुस्सा। कि सामायिक करते रहो शांत बने रहो। अरे सामायिक तो टॉनिक है, सामायिक तो कैप्सूल है, सामायिक तो गोली है, सामायिक तो घड़ी में चाबी भरना है। एक बार भर दो 24 घंटा फ्री, एक बार चाबी भर दी 24 घंटा मस्त रहो। अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक बार सामायिक कर ली। अब कोई चिल्लाएगा, कूकेगा, हो हल्ला करेगा, गाली गलौज करेगा, तेरा माल तुझको मैं तो अपने मस्त, मेरा राम मुझ में मस्त, तू जाने तेरे कर्म, हो हल्ला करके बूटे कर्म तेरे, जैसे तेरे चाहो तू कर, मुझ पर कोई प्रभाव न पड़े, मुझ पर कोई प्रभाव न पड़े, मैं अपने आप में पूरी तरह से निर्लिप्त रहूं। अरे खुद को अगर कोई व्यक्ति सामायिक का शांत सरोवर बना लेता है तो दुनिया में कोई भी आदमी कितनी भी मोटी जलती हुई लकड़ी ले जाए, कितनी भी मोटी जलती हुई लकड़ी ले जाए, पर याद रखना दुनिया में कोई भी आदमी कायलाना झील में आग तो नहीं लगा सकता। तय है
किसी झील में, किसी सरोवर में आदमी अंगारा फेंक भी देगा जलता हुआ, तो अंगारा बुझेगा, भला सरोवर का क्या बिगड़ेगा। सामायिक व्यक्ति को शांत सरोवर बनाती है, शांत सरोवर कि सामने वाला अंगारा बनकर आया पर तू चिंता मत कर, तुझ पर उसके अंगारे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तुझ पर उसके अंगारे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर तू शांत सरोवर है। सामायिक तो व्यक्ति की जिंदगी में धर्म का वो पवित्र मार्ग है। भगवान कहते हैं 9 दिनों में प्रतिदिन व्यक्ति एक सामायिक जरूर करे। जिनको सूत्र नहीं आते, करे मंत्र के पाठ नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, वे अपने एक स्थान पर आसन लगाया, हाथ जोड़कर 3 बार ईश्वर की वंदना की, मन में संकल्प लिया कि मैं 50 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए मौन शांत रहने का संकल्प लेता हूं, किसी भी प्रकार का कोई प्रकल्प, कोई विकल्प, कोई संकल्प अपने भीतर नहीं जगने दूंगा, और मैं हर स्थिति में चाहे जैसा वातावरण बने पर 1 घंटे में मैं शांत रहूंगा, शांत रहूंगा, शांत रहूंगा, और ये लिया गया संकल्प 1 घंटे की सामायिक बन जाएगी। ये जो हर हालत में अपने आप को हिंसा से मुक्त करके, हर हालत में अहिंसा में स्थापित करके अपने मन को 1 घंटा के लिए शांत 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 बनाए रखना, और आदमी की सामायिक सज जाती है। अरे भाई, यही तो व्यक्ति के साधना की समता है कि अगर दंडन ऋषि के शरीर की चमड़ी भी उतारी गई, दंडन ऋषि के शरीर की चमड़ी भी उतारी गई, तब भी वो सामायिक में शांत रहे, इसका नाम है सामायिक। अरे यही तो सामायिक है कि अगर मैतार्य मुनि के सिर पर, याद है ना वो घटना, क्या बांधी, चमड़ी की पाल बांधी सामायिक की परीक्षा करने के लिए, उस स्वर्णकार ने पाल बांधी लेकिन वो चमड़ी सूखता रहा, हड्डियां टूटती रही, सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर वो सामायिक में लीन रहे, इसका नाम है सामायिक समता। अरे इसी को तो कहते हैं सामायिक कि सेठ सुदर्शन की बदनामी भी की गई, ऊपर से सूली पर भी लटकाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद सामायिक, इसी को कहते हैं सामायिक कि आदमी को क्रॉस पर लटकाया जा रहा है तब भी वो कहता है भगवान ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो केवल एक कृपा करना, इन लोगों को माफ कर देना। इसको कहते हैं सामायिक कि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ये निरपराधी है, ईश्वर तूने क्षमा कर देना, क्योंकि ये लोग अबोध है, इन्हें इनके करणी का दंड मत देना, इन्हें माफ कर देना, ये अंतःकरण में औरों के प्रति उठने वाली क्षमा की भावना, इसका नाम है सामायिक। अरे इसी का नाम तो है सामायिक कि अगर कान में ठोके कोई कीले, पांव में मारे कोई डंक, लेकिन इसके बावजूद व्यक्ति शांत है, इसका नाम है सामायिक। और जिसने साधी अपने जीवन में ये सामायिक, उसने पाड़ लगाई अपनी नैया, उसने पाड़ लगाई अपनी नैया। आज की बात खत्म करने से पहले 2 बड़ी प्यारी सी घटनाओं का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, और घटना है, शायद एक ही पर्याप्त हो जाए। घटना है, कहते हैं सेंट फ्रांसिस अपने शिष्य लियो के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। इतनी जीवंत कहानियां कभी कभी सुनने को मिलती है, इसलिए इस कहानी को भी थोड़ा सा मनोयोग से सुनिएगा। संत फ्रांसिस अपने शिष्य लियो के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते, मौसम बारिश का था, कच्ची जमीन पर चल रहे थे, पगडंडी नुमा फिसल नुमा पगडंडी थी, इस पर वो दोनों गुरु और शिष्य चले जा रहे थे कि चलते चलते शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर जरा एक बात तो बताएं, संत कौन होता है, साधु कौन होता है। गुरु ने कहा, लियो वो व्यक्ति साधु नहीं होता जो अपनी पत्नी को या अपने पति को या बच्चों को छोड़ जाए और घर से निकल जाए, वो व्यक्ति साधु नहीं होता। तो लियो ने कहा, गुरु और आप ही बताएं फिर साधु कौन होता है। तो कहा, वो व्यक्ति भी साधु नहीं होता जो पांव में खड़ाऊ पहन ले, कि नंगे पांव चल ले, कि सिर के बाल हाथ से तोड़ ले, कि मुंडित हो जाए, कि सफेद कपड़े पहन ले, कि पीताम्बर पहन ले, या कोई दिगंबर नग्न हो जाए, वो व्यक्ति भी संत नहीं होता।
तो उसने कहा फिर ये भी संत नहीं होता जो पति पत्नी को छोड़ दे, बालों को लोच ले, पांव में खड़ा हो पहन ले, घर बार को छोड़ दे, जंगल में जाके बस जाए, वो भी संत नहीं होता, तो संत कौन होता है? फ्रांसिस ने कहा मेरे शिष्य वो व्यक्ति भी संत नहीं होता जो 30-30 दिन के उपवास कर ले, सच्चा संत वो भी नहीं होता। लियो समझ नहीं पाया कि फिर सच्चे संत की यही परिभाषा है, फिर सच्चा संत कौन होता है आप ही बताएं ना। तो लियोन की बात को सुनकर फ्रांसिस ने कहा मेरे शिष्य याद रखना सच्चा संत वो भी नहीं होता जो किसी पशु पक्षी की भाषा को समझ ले या जो गूंगों को जबान दे दे, अंधों को आंख दे दे, वो भी कोई सच्चा संत नहीं होता। अब तो लियो और चौंका कि अब तो दुनिया भर की सारी परिभाषाएं खत्म हो गई, संत जीवन की यही तो परिभाषाएं हैं। तो उसने कहा गुरुवर आप ये ना बताएं कि सच्चा संत कौन नहीं होता, अब आप ही बताएं कि सच्चा संत कौन होता है। फ्रांसिस ने कहा मेरे प्यारे पुत्र सोचो ये बरसात का मौसम और जिस गांव में हमें जाना है, जिस नगर में हमें जाना है, वो नगर अभी तक भी यहां से 12 मील दूर है। कितना? 12 मील दूर है और उस नगर में पहुंचने में हमें अभी तक भी 5 घंटे लग जाएंगे। मेरे बस 8 तो बज गए हैं, ये बरसाती मौसम, ये रात ढल आई है, ये पगडंडी, ये कीचड़ और ये ठंडा होता हुआ मौसम और इस कीचड़ से भरे हुए कपड़ों को लेकर कीचड़ में भरे हुए पांव से फिसलते फिसलते मरते डूबते जैसे तैसे हम उस नगर में पहुंचेंगे। और वहां उस नगर में पहुंचने के बाद हम रात को ठहरने के लिए किसी धर्मशाला में जाएंगे और जाकर धर्मशाला का दरवाजा खटखटाएंगे, किसी मुसाफिर खाने का दरवाजा खटखटाएंगे और भीतर से चौकीदार पूछेगा बाहर कौन? हम कहेंगे दो संत। रात को यहां ठहरना है, सुबह है वापस निकल जाएंगे, रात भर ठहरने की जगह चाहिए। और तब जब हम कहेंगे दो संत और रात भर ठहरने की जगह चाहिए तो चौकीदार कहेगा मुफ्त खोरो हराम खोरो, पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं, एक कौड़ी टक्का देंगे नहीं, एक पैसा टक्का देंगे नहीं, रसीद कटाएंगे नहीं, चंदा देंगे नहीं, रात भर ठहरेंगे, नींद हराम करेंगे, मुफ्तखोर सुबह उठ के निकल जाएंगे, जाओ जाओ यहां कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ हम वहीं बाहर बैठे रहेंगे। और थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खटखटाएंगे, खटखट खटखट खटखट, और तब भीतर में सोया हुआ चौकीदार फिर पूछेगा बाहर कौन? और हम कहेंगे वही दो संत। और फिर वो गुस्से में आएगा कहां और 5-7 गालियां निकालते हुए कहेगा बेवकूफों पता नहीं मुफ्तखोर कहां से उठकर आ जाते हैं, बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, अरे कौड़ी टक्का देंगे नहीं, रात को नींद आराम करें, कहां ना चले जाओ, अब जाते हो या डंडा लेकर आऊं? तब हम चुप होकर बैठ जाएंगे और 15 मिनट के बाद फिर दरवाजा खटखटाएंगे, खटखट